नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र रावत ने लालकुआं क्षेत्र के राशन कोटेदार दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें 25 एकड़ रोड स्थित राशन की दुकान सहित कई दुकानों पर कई खामियां पाए जाने और कई कोटेदारों द्वारा नियत समय पर दुकान बंद किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, राशन की दुकानों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, साथ ही सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं को समुचित राशन उपलब्ध कराया जाएगा। की 5 दुकानों का और बिंदुखत्ता क्षेत्र की 3 दुकानों का निरीक्षण किया, सभी दुकानों में कमियां पाई गई। किसी भी दुकान में सभी तरह की पूर्णता नहीं थी। कुछ प्रपत्र थे जो आयोग द्वारा जारी करे गए थे लगभग 1 वर्ष पूर्व, जिनमें कुछ सूचनाएं थी और जो दुकान के अग्रभाग पर लिखी जानी थी वो किसी भी दुकान पर नहीं थी, जिसमें आयोग का मेल, शिकायत के लिए नंबर, जिला शिकायत निवारण अधिकारी का नंबर, जिला शिकायत निवारण अधिकारी का मेल उसमें लिखा होना चाहिए था, वो किसी पर लगावा नहीं पाया गया। बात दर्ज करेंगे, इन पर नोटिस देंगे। एक अर्धन्यायिक संस्था आयोग के पास बहुत से अधिकार हैं, हम दंडात्मक कार्रवाई करने का भी अधिकार रखते हैं। हम जो भी कार्रवाई करेंगे विधि अनुसार करेंगे और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार सभी दुकानों पर नियमित कार्रवाई की जाएगी।